अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, जर्मनी में भारतीय मुक्केबाज ने 3 गोल्ड मेडल समेत कितने मेडल अपने नाम किए हैं? ए 7 पदक, बी 8 पदक, सी 9 पदक या डी 10 पदक। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर संजय चौधरी को प्रभारी कुलपति बनाए जाने का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। छात्र जदयू के कार्यकर्ताओं ने तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक दरवाजे पर टायर जलाकर आगजनी कर जमकर बवाल काटा। छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सुमू राज के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने प्रभारी कुलपति पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिए जाने के साथ कई संगीन आरोप लगाए हैं। करना होगा, करना होगा, करना होगा। छात्र जदयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मन का धांधने वाला मैं संकलन प्रचार पे कार्रवाई कब तक प्रशासन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सबसे बड़ा सवाल जो है, कैसे भ्रष्ट व्यक्ति को कैसे प्रभारी कुलपति का पद दे दिया गया, जिसके ऊपर टीएनडी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय में 80 लाख रुपए वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था और विश्वविद्यालय ने ही जांच कमेटी बैठाए थे। उसी जांच कमेटी में यह बात साबित हुआ कि 80 लाख रुपया का इन्होंने घपला किया था। मुरारका कॉलेज में भी जब यह प्रचार थे उसमें भी वित्तीय अनियमितता की थी, यूनिवर्सिटी ने कमेटी बनाया, वहाँ भी आरोप सही साबित हुआ। और छपरा यूनिवर्सिटी से जब भागलपुर विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था, इन्होंने फर्जी LPC के आधार पर यह ज्वाइन किए थे। तत्कालीन रजिस्ट्रार अरुण कुमार सिंह की चिट्ठी भी है कि यह जो LPC है या फर्जी है, इस फर्जी LPC के आधार पर इन्होंने करोड़ों रुपया का वेतन विश्वविद्यालय से उठा लिया है। हम लोग अविलंब मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कुलपति के पद से हटाया जाए, नहीं तो छात्र जनता दल यूं निर्णायक लड़ाई लड़ेगा और आंदोलन की कीमत चाहे जो छात्र जदयू इस कुलपति को हटा कर ही दम लेगा। अगर प्रशासन नहीं हटाए तो फिर क्या कार्रवाई करेगा? आगे आंदोलन जारी रहेगा, हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा है, आगे भी चलेगा। हम ही लोग के आंदोलन का यह प्रभाव है कि इस फर्जी कुलपति के ऊपर विजिलेंस का जांच बैठा, इस फर्जी कुलपति पर सिंडिकेट, सीनेट और बहाली पर रोक लगा। आंशिक जीत हम लोगों की हुई है, पूर्ण जीत तब होगी जब इस कुलपति को उसके कुर्सी से हटाकर उनको जेल भेजा जाएगा। सोमराज विश्वविद्यालय अध्यक्ष। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है AC ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, DJ फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर में IIIT की 122 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवन निर्माण का किया गया शिलान्यास। भागलपुर IIIT की नींव पड़ चुकी है। करीब 3 साल पहले बने भागलपुर IIIT को 5 फरवरी को कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्व संस्था का दर्जा दिया था, जिसके बाद अगस्त महीने में ही भवन निर्माण की मंजूरी मिल गई थी, जिसको लेकर 122 करोड़ रुपए की लागत मूल्य से बनने वाले भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे सहित कई अन्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो सोच और संकल्प के धनी हैं, उनके दिशा में निर्देश में हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये 25 IIIs का जो स्थापना का रखा गया है, उसमें से एक IIIT भागलपुर 2017 में यहाँ से स्थापित हुआ है और आज उसका शिलान्यास हुआ। मैं शिक्षा मंत्री जी को और बिहार सरकार, भारत सरकार, अश्विनी चौबे जी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने
आज हमको आशीर्वचन दिया कि आप इस दिशा में आप लगे रहें और इस संस्थान का जो स्थान है बिहार में और पूरे क्षेत्रों में देशों में इसको आप इसी तरह बढ़ाते रहें। कितना जमीन है सर, कितना ये 50 एकड़ की जमीन भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस में हमको मिला हुआ है और टोटल लागत अभी 122। प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सारी चीजें देने का काम किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो आज RRT शिक्षा मंत्री के द्वारा जो यहाँ दिया है, पूरे भारत में 25 संस्था है जिसमें एक भागलपुर को भी जोड़ा गया, मैं इसके लिए भागलपुर के इसाचक थाना क्षेत्र में बमबारी मामले का हुआ उद्भेदन, 3 नामजद की हुई गिरफ्तारी। भागलपुर के इसाचक थाना अंतर्गत शांति पेट्रोल पंप पर देर शाम बदमाशों द्वारा देसी बम फेंका गया, जिस इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रहा कि किसी भी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के SSP आशीष भारती ने CTSP सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर मामले के उद्भेदन को लेकर किया। विशेष टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नामजद आरोपियों को धर दबोचा। सीनियर SP आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि घटना का सूत्रधार मुख्य अभियुक्त बिट्टू पासवान उक्त पेट्रोल पंप पर नोजल मैन का काम करता था, जिसे किसी कारणवश नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके कारण उसके द्वारा अन्य अपराधियों के सहयोग से बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। गिरफ्तार अपराधियों में अंकित तिवारी और राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह है, जिसका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है। महज कुछ ही घंटे के भीतर घटने का उद्भेदन करने वाले विशेष टीम को पुरस्कृत किए जाने की भी बात भागलपुर के सीनियर SP ने कहा है। 2020 को शाम को करीब 7 बजे के आसपास शांति फ्यूल पेट्रोल पंप जो कि इसाचक थाना क्षेत्र में है, उस पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा वहां पे देसी बम फेंकने की का मामला प्रकाश में आया, जिसको जिस संबंध में तुरंत जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो वहां पे CTSP तथा SDPO सिटी के चार्ज में जो DSP ट्रैफिक है उनको भेजा गया द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जो इसमें नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं, जो अंकित तिवारी, राजीव कुमार उर्फ राजवीर साहब तथा बिट्टू कुमार उर्फ बिट्टू पासवान, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCTV फुटेज जो हम लोग को प्राप्त हुआ है उसमें से भी अंकित तिवारी तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर साहब का उसमें से फुटेज प्राप्त हुआ है, तथा ये जो बिट्टू पासवान था ये वहाँ पे नोजल मैन के काम करता था, कुछ दिनों पूर्व इसको नौकरी से निकाला गया था और जिसके बाद ये जो घटना है उसके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के कारित कराई गई है। तो इस प्रकार से इस पूरे मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर सभी जो नामजद प्राथमिकी अभियुक्त हैं सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। अंकित तिवारी तथा राजीव कुमार उर्फ राजवीर शाह, इनका आपराधिक इतिहास भी है। अंकित तिवारी सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 1 जनवरी से शहर में सख्ती से लागू होगा नो एंट्री। सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी व सवारी वाहन के प्रवेश पर रोक। नवगछिया शहर में जाम की समस्या को लेकर अनुमंडल प्रशासन स्तर से इस दिशा में ठोस पहल उठाए गए हैं। शहर की जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने नगर पंचायत नवगछिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं नवगछिया BDO के साथ बैठक कर निर्णय कर इस दिशा में अहम निर्णय लिए हैं। SDO अखिलेश कुमार ने बताया कि शहर में आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। बाजार में ट्रक ट्रैक्टर बेरोकटोक प्रवेश होते रहते हैं, जिसकी शिकायत आम लोगों द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से मिलती रही है। SDO ने जाम की समस्या के निदान को लेकर बैठक में निर्णय लिया है कि शहर में प्रवेश मार्ग पर गौशाला, नगर पंचायत कार्यालय के निकट दूरभाष केंद्र के बगल में एवं स्टेशन के अगल बगल में सरकारी भूमि चिन्हित कर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
जहां पर मुख्यतः टोटो ऑटो का ठहराव हो सके। प्रातः 9 बजे से संध्या 8 बजे तक किसी भी परिस्थिति में इन सभी वाहनों का बाजार के भीतर प्रवेश निषेध होगा। इस व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त रूप से कार्यान्वित करने के लिए 1 जनवरी से नौगछिया बाजार को जाम से मुक्त रखने के लिए नौगछिया नगर प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि निर्धारित स्तर पर ही वाहनों का ठहराव नगर प्रशासन सुनिश्चित कराएंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से पहले एवं रात्रि 8 बजे के बाद आयातित सामग्री अनलोड कराएंगे। इस बीच यदि सामग्री अनलोड कराते या करते हुए पकड़े जाने पर नियामक सुसंगत धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ट्रैक्टर ट्रक ऑटो अथवा पिकअप वाहन प्रातः 9 बजे के बाद रात्रि 8 बजे तक प्रवेश की अनुमति नहीं है। उक्त अवधि में नौगछिया बाजार में वाहन निषेध क्षेत्र रहेगा। किसी भी परिस्थिति में आदेश का उल्लंघन होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना किया जाएगा। SDO ने कार्यपालक पदाधिकारी को वाहन के तीनों ठहराव स्थल पर CCTV कैमरे लगाने, जिसका नियंत्रण कक्ष अपने कार्यालय में स्थापित कर प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी से यह पूर्ण तरह प्रभाव में रहेगा, जिसको लेकर नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को सूचना का प्रभार प्रचार प्रसार आम जनता के बीच करने का निर्देश दिया है। नवगछिया मद्य निषेध दिवस पर पुलिस पदाधिकारी व पुलिस कर्मियों ने शराब नहीं पीने के लिए शपथ। सरकार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में सोमवार को पुलिस जिला नवगछिया में पुलिस कर्मियों ने आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ ली। सोमवार सुबह 11 बजे SP कार्यालय परिसर में SP स्वप्नाजी मिश्राम ने कार्यालय व सुरक्षा में लगे उक्त मौजूद पुलिस कर्मियों को शराब नहीं पीने और शराबबंदी को 100% लागू करने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने संबंधित शपथ दिलाया। सभी पुलिसकर्मी अपने हाथ में लिए शपथ पत्र को एक स्वर में पढ़ने के पश्चात उसके नीचे अपना हस्ताक्षर कर जमा कराया। वहीं मद्य निषेध दिवस नौगछिया में भी थाना परिसर में थानाध्यक्ष अमर विश्वास द्वारा 2 दर्जन से अधिक पुलिस बलों ने शराब न पीने की शपथ ली, साथ ही सरकार की इस योजना को सफल बनाने का संकल्प भी। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। नवगछिया किसान बिल के विरोध में रखा उपवास। किसान बिल के विरोध में सोमवार को नवगछिया में जन पार्टी सर्कुलर के नेताओं ने नवगछिया 0 माइल में एक दिवसीय उपवास रखकर विरोध जताया। मौके पर नेताओं ने राज्यपाल के नाम नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी को अपनी मांगों से भरा ज्ञापन सौंपा है। नवगछिया मास सिकिंग में 63 लोगों एवं 4 वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास्किंग अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को मास्किंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 63 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 3150 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 4 वाहन चालकों से 3500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। नवगछिया रगरा के अजय ढाबा के समीप बोलेरो पिकअप से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के अजय ढाबा के समीप NH31 सड़क मार्ग पर उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान एक बोलेरो पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। मौके से पुलिस द्वारा शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान खगड़िया जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत झिटकिया निवासी ननकू चौधरी, पिता स्वर्गीय गुरुदेव चौधरी, एवं खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चक हुसैनी निवासी हीरा यादव, पिता अनुज यादव के रूप में की गई है। वहीं बोलेरो पिकअप वैन को रोककर जब तलाशी ली गई तो पिकअप वैन में बने गुप्त चैंबर से मैकडोनाल्ड ब्रांड के 750 के 171 बोतल, इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 375 ml के 696 बोतल, इंपीरियल ब्लू के 288 ml के 288 बोतल एवं ब्लेंडर प्राइस के 750 ml के 6 बोतल सहित 1161 बोतल शराब को बरामद किया गया है। बरामद किए गए शराब सहित पिकअप वैन को उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा जब्त कर लिया गया है। छापेमारी टीम में उत्पाद विभाग के अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद, इंस्पेक्टर चंदन कुमार, SI लालू कुमार, ASI धनश्री बाला,
एएसआई गौतम पासवान एवं एएसआई दिवाकर गौतम मुख्य रूप से शामिल थे। खरीक, गणेशपुर ने जमालदीपुर को हराकर जीता फाइनल मैच। सीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट खरीक के फाइनल मुकाबले में किंग्स इलेवन गणेशपुर बनाम स्टार क्लब जमालदीपुर के बीच मैच खेला गया। टॉस किंग्स इलेवन गणेशपुर टीम ने जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। वहीं बताते चलें कि निमंत्रण मिलने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी स्टार क्लब जमालदीपुर की टीम ने कप्तान वार्नर के 75 रन के बदौलत टी20 मुकाबले में निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 192 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी किंग्स इलेवन गणेशपुर की टीम के गौतम कुमार ने 4 विकेट और 70 रन के दम पर 18 ओवर 2 गेंद में 7 विकेट पर 153 रन बनाकर रोमांचक फाइनल मुकाबले पर जीत हासिल की। वहीं टूर्नामेंट में किंग्स इलेवन गणेशपुर के खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच 4 विकेट और 70 रन बनाने वाले गौतम कुमार को दिया गया। बीहपुर के ग्वारीडी में कोसी की धारा को मोड़ने को लेकर सीएम के निर्देश पर सर्वे कार्य हुआ शुरू। बीहपुर प्रखंड के जयरामपुर ग्वारीडी में रविवार को सीएम नीतीश कुमार कोसी कटाव के कारण ध्वस्त होने के बाद स्थानीय लोगों को मिल रहे प्राचीन चंपा सभ्यता से जुड़े प्रमाणिक अवशेष व सामग्री समेत अवशेष स्थल का अवलोकन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस इलाके के कोसी के कटाव से संरक्षित करने के लिए यहां पर कोसी के वर्तमान धारा को फिर से पुराने धारे में लाने के निर्देश दिए थे। इधर सोमवार से ही सीएम के निर्देश पर ग्वारीडी में कोसी की धारा को मोड़ने के लिए सर्वे कार्य शुरू हो गया है। सोमवार को जल संसाधन विभाग नौगछिया के एसडीओ विजय कुमार अलवेला के नेतृत्व में जेई कविरंजन, रंजीत, अनिल व विजय कुमार आदि ने कोसी कटाव रोकने के लिए ग्वारीडी व बैनाडी में पायलट चैनल शुरू करने को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। बिहपुर, सीएम के ग्वारीडी बहियार में आगमन पर हुए फसल क्षति का सर्वे शुरू। सीआई सीओ अमीन व कर्मचारी ने किया सर्वे। राज्य के सीएम नीतीश कुमार के प्रखंड के जयरामपुर ग्वारीडी बहियार में रविवार को पुराने अवशेष व स्थल का अवलोकन करने पहुंचे आगमन पर कई किसानों की फसल को क्षति पहुंची थी। उन क्षति हुए फसलों के एवज में किसानों को सरकारी मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश के आलोक में सोमवार को बीहपुर सीओ बलिराम प्रसाद की मौजूदगी में प्रभारी अंचल निरीक्षक बदरे आलम व अमीन सौरभ कुमार ने बहियार में क्षति हुए फसलों का सर्वे किया। इस दौरान विधायक इंजीनियर शैलेंद्र भी बहियार पहुंचकर सर्वे कार्य का निरीक्षण कर सीओ को जरूरी निर्देश भी दिया है। आपकी फसल, आपके फसल नुकसान हुआ है? हाँ। कितना नुकसान हुआ, क्या कहना चाहिए? 2 एकड़ ये गेहूँ है और नुकसान हुआ है। अभी जोत और बीज जानते हैं कितना महंगा है और पटवन भी हो चुका था एक, और आप देख ही रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। हर एक चीज़ महंगाई का समय है। कितना आर्थिक नुकसान हुआ आपको? कम से कम आर्थिक नुकसान अभी के अनुसार जोत से लेकर के अभी तक में कम से कम 30-35 हज़ार रुपया का नुकसान हुआ है अभी तक में। अभी तक में आपका इतना नुकसान हुआ? इसमें लागत हुआ है। लागत, अगर फसल खड़ी हो जाती तब तो क्या, आप कितना पैसा? फसल खड़ी हो जाती तो कम से कम कितनों कम होता तो 40 मन का बीघा होता तो ये 80 मन होता, तो 80 मन में मान के चलिए कम से कम 70,000-75,000 का नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। क्या कुछ आश्वासन मिला है कि मिलेगा क्या मिलेगा? कल अब डीएम साहब बोल के गए हैं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो उन्हीं के ऊपर है, भगवान की ओर। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौधरी। घर कहाँ है? जयरामपुर। कितनी ज़मीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा। क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50,000 के लगभग। तो क्या डीएम साहब की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि मुआवजा मिलेगा? आश्वासन कल ही बोला था कि जिसका जो क्षति होगा वो मिलेगा। कब तक मिलेगा ये हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो जिसका जो क्षति हुआ है वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार चौधरी। कहाँ घर है? जयरामपुर। क्षति हुआ है
क्या नुकसान आपका हुआ? मकई हमारा परवल, इसमें परवल था, आगे मकई है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतारे उस जगह मकई है, सब आदमी तो जितना था वो दंसंग तो करिए दिया है मकई। अब उसका मुआवजा जो है बोला ही है पदाधिकारी सब डीएम साहब, उनकी आपका मुआवजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। कितनी जमीन थी, किसने क्या फसल आप लगाए थे? जैसे 4-4.5 बीघा के आसपास में हमारा परवल है, उसके बाद मेरा मकई है, सब टोटल 14 बीघा का थी। अब उसमें जो है देख लेगा। कौन बोले हैं कि मुआवजा मिलेगा? डीएम साहब भी बोले हैं। सीएम साहब भी बोले थे? सीएम साहब बोले हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नवीन चौधरी, मनोज चौधरी मेरा छोटा भाई हुआ, हम बड़े भाई हैं। मनोज चौधरी से बात हो गया है, उनको बोला है कि आप चिंता मत कीजिए, सब चीज़ मिलेगा। आपके भाई साहब से कौन बात किए थे? डीएम साहब बात किए हैं। नवगछा में सड़क हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार जख्मी। नवगछा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर पुलिस अधीक्षक आवास के ठीक सामने हुए एक सड़क हादसे में पूर्णिया जिले के टीकापट्टी गांव निवासी मिथिलेश कुमार 55 वर्षीय, घनश्याम राय 45 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए नवगछा अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहाँ प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी मिली है कि दोनों एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं। दोनों सुबह अपनी मोटरसाइकिल से मधेपुरा से अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान एक अनियंत्रित सुमो विक्टा ने मोटरसाइकिल में जबरदस्त धक्का दे मारा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से सुमो विक्टा का चालक भागने में सफल रहा, जबकि पुलिस ने सुमो विक्टा को जब्त कर लिया है। मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज कर ली गई है और नौगछिया पुलिस वाहन मालिक और वाहन चालक का पता लगा रही है। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें, साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।